अगर किसी पक्षी का चोंच टूट जाए तो वो भूखा मर जाएगा, क्योंकि बिना चोंच के वो खा नहीं सकता है। लेकिन ईगल एक ऐसा पक्षी है जो जानबूझकर अपना चोंच को खुद ही तोड़ देता है। लेकिन ईगल ये जानते हुए भी कि बिना चोंच के वो भूखा मर सकता है, फिर भी वो अपना चोंच क्यों तोड़ता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक ईगल 320 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से उड़ सकता है और ये अपने नोकीली चोंच से बड़े शिकार को चीर फाड़ सकता है। लेकिन जब एक ईगल की उम्र 30 से 40 के आसपास होती है तब इसके पंख भारी हो जाते हैं और चोंच की शार्पनेस कम हो जाती है, इसलिए ईगल ढंग से उड़ नहीं पाते और ना ही शिकार कर पाते हैं और ईगल की मरने की नौबत आ जाती है। इसके बाद ईगल एक ऊंची चट्टान पर चला जाता है और पत्थर पर मार मार कर अपना चोंच को तोड़ देता है। 3 से 4 महीने भूखा रहने के बाद इसकी नई चोंच उड़ आती है और अब उस नई चोंच की मदद से पुराने पंखों को उखाड़ कर फेंक देता है। फिर से 2 से 3 महीने के बाद इसके नए पंख आ जाते हैं। 6 से 7 महीने के इस दर्द भरे प्रोसेस से गुजरने के बाद ईगल आसमान में फिर से राज करने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे आपका फेवरेट पक्षी कौन सा है, कॉमेंट करके जरूर बताना।